तो लोकसभा चुनाव में बिहार से इस बार कई दिग्गज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह का भी नाम शामिल है। आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में पवन सिंह की एंट्री के बाद ये सीट हॉट बन गई है। पवन सिंह लगातार इस क्षेत्र में चुनावी दौरे कर रहे हैं और लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। वहीं नामांकन को लेकर पवन सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है, आज यानी कि 9 मई को वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनका सीधा मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से है। नामांकन के बाद पवन सिंह काराकाट में ही हाई स्कूल में एक बड़े जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आज अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। इसके बाद पवन सिंह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि पवन सिंह लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काराकाट लोकसभा के कई क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों से अपने लिए वोट की अपील भी कर रहे हैं। और पवन सिंह के चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आ जाने से जो काराकाट सीट है वो काफी हॉट सीट बन गई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रियांशु जुड़े हुए, प्रियांशु का रुख करेंगे। प्रियांशु, काराकाट लोकसभा सीट से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपना नामांकन आज दाखिल करने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है, किस समय वो नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद क्या कार्यक्रम है? हाँ देखिए काजल, जिस तरीके से काराकाट सीट त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है उसको देखते हुए आज पवन सिंह नामांकन दाखिल करेंगे। करीबन 11 से 12 के बीच का समय बताया जा रहा है कि इस बीच वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे। इसके साथ ही वो सोशल मीडिया पे लगातार इनके जो चाहने वाले हैं, जो इनके सपोर्टर हैं, वो कल से ही पोस्ट कर रहे हैं कि भारी से भारी संख्या में लोग आए और पवन सिंह का नामांकन जो हो रहा है उसमें साथ दे। प्रियांशु, पवन सिंह पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी के काफी मशहूर वो अभिनेता हैं। कौन कौन से मशहूर चेहरे उनके नामांकन में शामिल होंगे, क्योंकि वो किसी भी पार्टी से नहीं है, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में है, तो कौन कौन से लोग उनके नामांकन में शामिल हो रहे हैं? अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसको लेके ये बताया जा रहा है कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले लोग हैं, जैसे रितेश पांडे हो गए, अरविंद सिंह जो कल्लू के नाम से फेमस है सिंगर है, वो जाने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बड़ा तबका है, जैसे मनोज तिवारी हो गए, और भी जो बीजेपी में शामिल हो गए, जैसे निरहुआ हो गए, रवि किशन, ये लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक जो भोजपुरी का जो धड़ा है, एक धड़ा पवन सिंह को सपोर्ट कर रहा है और कहीं और दूसरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो एक पार्टी से है और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव में जा रहे हैं। तो ऐसे में वो बैलेंस है वो पवन सिंह लेके भी चल रहे हैं कि कहीं किसी को बुरा ना लगे। और ऐसे देखते हुए बहुत सारे लोगों के आने की सूचना है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि अभी कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे जो और सब जो सपोर्टर हैं वो आ रहे हैं। प्रियांशु, पवन सिंह चुनावी मैदान में निर्दलीय खड़े हैं, उनके ऑपोजिट में एनडीए के तरफ से जो पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा है, क्या लगता है पवन सिंह जो इतने मशहूर अभिनेता है भोजपुरी के, लोग उन्हें पसंद करेंगे? चूंकि पवन सिंह की छवि एक कलाकार के तौर पे है और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो एक नेता है, तो दोनों में डिफरेंस काजल आप ये देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि वो नाचने गाने वाले हैं, अभी वोट का टाइम है तो अभी साथ में है, इसके बाद फिर वो यहाँ नहीं रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा जो कि वहां से लगातार सांसद चुने जा रहे हैं, इस बार उनके लिए भी टफ फाइट है। तो पवन सिंह का ऐसा नहीं कह सकते कि वो हल्के में लिया जा सकता है, लेकिन हाँ टक्कर तो इस बार जबरदस्त देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल प्रियांशु, काराकाट की सीट पर पवन सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो काराकाट लोकसभा सीट है वो बिल्कुल हॉट सीट बन चुकी है। पवन सिंह एक दावेदार है, एक मजबूत दावेदार है। अब देखना होगा कि काराकाट की जनता किसे चुनती है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया प्रियांशु।